इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैसे अपने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा का जो वॉच टाइम होता है जो कि आपके लिए नेसेसरी होता है आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे की वॉच टाइम को 15 दिनों के अंदर में कम्प्लीट कर सकते हो। और दोस्तों मैं बता दूँ इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूँ कि आपको एक नए यूट्यूबर हो तो आपको किस तरह का वीडियो अपलोड करना चाहिए, कैसा टाइटल लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा डिटेल इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए मैंने नोट भी करके रखा हुआ है बहुत कुछ चीजें जो कि न्यू यूट्यूबर्स को कंफ्यूजन होता है या फिर वो गलती करते हैं। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और अगर आप अपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि मैं हमेशा यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आप लोग 15 दिनों के अंदर में जो है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम को कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहला चीज़ दोस्तों आप लोगों को सबसे पहला चीज़ आता है कि हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। तो दोस्तों यूट्यूब पे ग्रोथ करने के लिए मतलब कि सक्सेस करने के लिए आप लोगों को दो चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है, एक हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी। हार्ड वर्क का मतलब होता है आप कितना वीडियोस अपलोड कर रहे हो, कितने मेहनत से वीडियोस को बना रहे हो, कैसा एडिटिंग कर रहे हो। और स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि आप किस तरह के वीडियोस अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं हार्ड वर्क भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं न्यू है, ठीक है, आपका सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो आपको वो देखना नहीं है, आपको कंसिस्टेंसली जो है लगातार जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज अपलोड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब होता है अगर आप पर डे 5 वीडियो अपलोड कर पाओगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपके व्यूज़ आने का, सब्सक्राइबर्स बनने का। क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते हो तो आपका ज़्यादा ऑप्शन बनता है कि आपके कोई ना कोई एक वीडियो चलेगा, आपका वीडियो में व्यूज़ आएगा। तो इसीलिए आप जो न्यू यूट्यूबर है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज अपलोड करने का, पर डे अगर 5-5 कर पाओ तो और ज़्यादा। तो अगर आप पर डे 5-5 वीडियो अपलोड करते हो तो 15 दिन में आपका जो है 75 वीडियोज अपलोड हो जाते हैं। और जो कि एक पुराना यूट्यूबर होता है, जैसे कि मुझे एग्जांपल ले लीजिए, मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करता हूँ तो मेरा मंथ में होता है 30 वीडियो, लेकिन आप 75 वीडियो अपलोड कर दोगे सिर्फ 15 दिन में तो आपका ज़्यादा चांसेस हो जाती है कि कोई ना कोई वीडियो आपका चल जाए या फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए और सब्सक्राइबर्स बने। अब दोस्तों बात आती है, अब न्यू यूट्यूबर एक जो है गलती करते हैं या फिर उन्हें नहीं पता होता है कि यूट्यूब पे जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो वीडियो का आप टाइटल कैसा लगाओगे, डिस्क्रिप्शन कैसा लगाओगे, देन टैग कैसा लगाओगे। दोस्तों आपका वीडियो का टाइटल जिस तरह का रहता है सेम टू सेम आपको डिस्क्रिप्शन में जितना टाइटल में आपका जो जो वर्ड रहता है वो वर्ड आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक वही योर क्वायरीज करके आप इस वीडियो का नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कीजिए, मैंने जो कि टाइटल लिखा हुआ है उसी चीज़ को योर क्वायरीज करके मेरा डिस्क्रिप्शन में 4-5 बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मतलब ये होता है कि आपका टाइटल में जो भी वर्ड होता है, लाइक मान लीजिए आपका टाइटल में वर्ड है अगर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स, तो आपका डिस्क्रिप्शन में भी बार बार अगर वो रिपीट होता है व्यूज सब्सक्राइबर्स वाला वर्ड अगर बार बार रिपीट होता है तो आपका चांसेस बनता है कि आपका टैग जो है वो रैंक कर जाएगा। अब टैग तो आप लोगों को पता होगा कि टाइटल जिस तरह का है उसी तरह का आपको टैग लगाना होता है घुमा फिरा करके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी बार बार वो वर्ड आना चाहिए जिससे कि आपका टैग रैंक करता है। तो आप योर क्वायरीज करके आपको जो है जो कि टाइटल में जो वर्ड रहेंगे वो बार बार वो वर्ड आपका नीचे में आना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर होता है आपको टैग्स को रैंक करवाने के लिए। ये काम करना है आपको डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। कोई कोई का वीडियो मैंने बहुत सारा चैनल भी चेक किया है कि वो लोग डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, सिंपल तरीके से सीधा सीधी छोटा सा लिख करके और वीडियो को पब्लिश कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मतलब रखता है, फैक्टर रखता है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा अच्छे से लिख लेना। अब दोस्तों बात आती है कि थंबनेल कैसा बनाएं।
अब दोस्तों मैं बता दूंगा थंबनेल पे एक ही चीज आप लोगों को थॉट रखना है, एक चीज मैं बताऊंगा जो कि रामबाण उपाय कहते हैं थंबनेल का। थंबनेल आपको ऐसा होना चाहिए जो कि थंबनेल में आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका जितना से ज्यादा कम वर्ड रहे, आपको ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है थंबनेल का। मतलब कि थंबनेल में दोस्तों आप जैसे कोई वीडियो बना रहे हो, ठीक है, अब आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आप लोग सोचते हो कि थंबनेल में हमको डिटेल बताना होता है कि थंबनेल में कि इस वीडियो पे मैं क्या बताने वाला हूँ। मतलब आप अगर बताओगे कि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कैसे बनाएं, या फिर मान लीजिए कि पबजी पीसी में कैसे डाउनलोड करें, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई हुई थी, तो आप लोग क्या करोगे कि थंबनेल में लिख देंगे हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा पबजी कैसे डाउनलोड करें। इतना बड़ा अगर लिख दोगे तो आपका तो थंबनेल बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा। आपको कुछ नहीं लिखना है, मैंने देखे पबजी कैसे डाउनलोड करें पीसी पे, तो मैंने क्या लिखा था पबजी ऑन पीसी, बस थ्री वर्ड। मतलब थंबनेल का ये होता है दोस्तों कि जितना से जितना कम वर्ड रहे और उसी कम वर्ड में जो है पब्लिक को समझ में भी आ जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो वीडियो पे, बस ये चीज होता है। अब आप लोग थॉट लगा लेना, दिमाग लगा लेना, सोचना थोड़ा कि थंबनेल पे मैं कितना कम से कम वर्ड लगाऊं और कैसा वर्ड लगाऊं कि पब्लिक को समझ भी आ जाए कि इस वीडियो पे मैं क्या बताने वाला हूं। ये होता है थंबनेल का फैक्ट। अब दोस्तों बात आती है कि किस तरह के वीडियो स्टार्टिंग में बनाना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। स्टार्टिंग के दिन में आपको किस तरह के वीडियोस बनाना चाहिए, आप लोग बहुत सारे वीडियोज में मेरा कमेंट भी किए हैं कि सर स्टार्टिंग पे वीडियोस पे कैसा वीडियो बनाना चाहिए, मनोज भाई स्टार्टिंग के वीडियोस पे कैसा वीडियो हम लोग को बनाना चाहिए स्टार्टिंग के चैनल पे। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग के दिनों में जब आपका यूट्यूब चैनल न्यू है तब आपको किस तरह के वीडियोस बनाना चाहिए, तो दोस्तों उस टाइम आपको बनाना चाहिए सर्चेबल टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक, ये दो चीज पे वीडियोस बनाना चाहिए। आप दोस्तों जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वही सर्चेबल टॉपिक होता है। मतलब क्या है कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है और जो ट्रेंड में चल रहा है वही ज्यादा से ज्यादा इंडिया में जो है यूट्यूब पे सर्च भी होता है। मान लीजिए कि दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आप लोगों को, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सागर गोस्वामी जो टिकटॉक में जिस टाइम वायरल हुआ था उसका एक वीडियो, तो मैंने बनाया था सागर गोस्वामी का वीडियो जो है उसका टिकटॉक आईडी हैक हो गया। तो दोस्तों वो वीडियो मेरा 1 लाख के ऊपर व्यूज है, 1,11,000 की 12,000 व्यूज चला गया 1 महीने के अंदर में। तो दोस्तों ये कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों उस टाइम उसका वीडियो वो वायरल हुआ था और वो सागर गोस्वामी बोल करके यूट्यूब पे बहुत ज्यादा उस टाइम सर्च हो रहा था, और सर्च हो रहा था तो मेरा वीडियो भी सर्च रैंक में चला गया और सर्च लिस्ट जाने के कारण से उस वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज आ गए। तो दोस्तों मतलब होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक जो होता है वही सर्चेबल टॉपिक भी होता है। मतलब जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वही ज्यादा से ज्यादा सर्च भी होता है। तो अब आप लोग को ये मतलब कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना होगा कि यार अभी ट्रेंडिंग में चल क्या रहा है, आदमी देखना क्या चाहते हैं।